भारत सरकार द्वारा 2018 में शुरू किया गया विद्यार्थी पुलिस कैंडिडेट कार्यक्रम देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में लागू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूल को 50,000 रुपए की राशि शैक्षणिक सहायता, प्रशिक्षण और आकस्मिक खर्च के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। SPC का उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य विकसित कर उन्हें अनुशासित बनाने पर जोर दिया, ताकि वे आगे चलकर नए भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। SPC कार्यक्रम के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति द्वारा कानून की स्वेच्छा से पालन करने पर बल देने के अलावा इसे अपराध की रोकथाम सहित नैतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। साथियों, SPC के कैडेट सारे उनके स्कूल के सारे हमारे फैकल्टी आचार्य जिन्होंने आपके इतना सुंदर कार्यक्रम आज आप सबने दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे बीच में हमारे इसी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं महेंद्र कुमार जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पुलिस के अनुरोध पर उन्होंने अपना एक पूरा हॉल दिया और इससे एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हो पाया। मैं जिला शिक्षा अधिकारी साहब का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे स्पोर्ट्स के अधिकारी उमर साहब का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने भी जो कहा बिल्कुल मैं भी कहना चाहता था कि इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे बच्चे कर रहे हैं कि उनको कहीं से इवेंट वालों की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत अच्छा कार्यक्रम हम कर सकते हैं। एक इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है और जो शायद हमारी कल्पना में भी है कि अब पुलिस को देख के हमारे कैडेट लोग घबराते नहीं है। क्या कहते हैं पुलिस को देखते तो क्या कहते हैं? जय हिंद। बोलिए जोर से, जय। यस, तो जय हिंद हम लोग का नारा है। यही हमारे देश को एक साथ में रखने का ही एक तरीका है। हम अपने बच्चों के साथ जो योजना बनी थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया, इसमें कहीं ना कहीं ये बात कही कि आज बच्चे लोग जो छोटे रहते हैं कई बार माँ बाप उनको डराने के लिए दो चीजों का बोलते हैं। पहले पुराने थे तो बोलते थे गब्बर सिंह आएगा, अब बोलते हैं पुलिस वाले को पकड़ा देंगे, पुलिस घूम रही है। और पुलिस काहे के लिए होती है? अपनी बच्चों के रक्षा के लिए। बच्चों को परेशान करेगा तो किसको लगाएंगे फोन? पुलिस को लगाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, हम डायल 100 पे फोन लगाएंगे और उनको बुलाएंगे। तो पुलिस काहे के लिए रहती है कि बच्चों को कोई परेशान नहीं करे, हमारी बच्चों को कोई छेड़छाड़ नहीं करे, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखा जाए। किसी भी तरह के बदमाश को चोर को पकड़ने के लिए पुलिस होती है। और ये बात जो हमारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हम डेमोक्रेटिक पुलिस में है, लोकतंत्र की पुलिस में है, जनता की पुलिस है। और जनता की पुलिस का मतलब ये है कि हम जनता के लिए बनाए गए जो कानून है उनका पालन करने के लिए हम यहाँ पर हैं। और हमको जनता से सहयोग लेके, जनता को सहयोग देके एक अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति बनाना चाहिए। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए बहुत तेज पानी हुआ तो आपकी स्कूल की छुट्टी हो गई, कभी झगड़ा ज्यादा हो जाएगा कहीं पर, गोली वोली चल जाएगी तो भी क्या होता है, स्कूल बंद हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।